नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम बायोफाइटा के 15वें भाग में पॉलीट्राइकम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से पॉलीट्राइकम का परिचय, क्लासिफिकेशन, उसकी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। पॉलीट्राइकम को स्क्वायरल टेल मॉस या एयर मॉस भी कहते हैं। लगभग 100 स्पीशीज हैं जो पॉलीट्राइकम को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें से 5 स्पीशीज जो है वो कॉमनली इंडिया में पाई जाती है। उसमें से कौन कौन सी है? पॉलीट्राइकम कॉमेनी, पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम, पॉलीट्राइकम डेंसिफोलियम, पॉलीट्राइकम अल्पाइनम एंड पॉलीट्राइकम ज़ैंथोपाइलम। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन का सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो डिवीजन बायोफाइटा में रखा जाता है। क्लास बायोफाइटा है, जिसको मोसाइक भी कहते हैं। सब क्लास ब्राइडी, ऑर्डर पॉलीट्राइकेस, फैमिली पॉलीट्राइकेसी एंड जीनस पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम के लगभग 100 स्पीशीज हैं जो कि इस जीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, पॉलीट्राइकम जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। कॉमनली कूल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में भी पाई जाती है। ये ज़्यादातर कूल एंड शेडी प्लेसेस में रहते हैं। जो ज़्यादातर जो मॉसेस हैं वो इंडियन आर्किपेलागो एंड ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर रेनी सीजन में डैम्प ग्राउंड के ऊपर या फिर डैम्प वॉल जो होती है दीवार उसके ऊपर पाई जाती हैं, और यहाँ पर ये बहुत ही डेंस टर्फ या पैचेस बनाती हैं। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, दिस इज पॉलीट्राइकम गोइंग ऑन द वॉल। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या कैसी होती है? जो गैमेटोफाइट है वही प्लांट बॉडी है एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पोर्शंस। पहला पोस्टेट, जो जमीन पर फैला हुआ पोर्शन होता है। इट इज मच ब्रांच्ड एल्गी लाइक फिलामेंटस, इसको हम पोटोनीमा के नाम से जानते हैं। जो अपराइट सीधा खड़ा हुआ भाग होता है, दैट इज परसिस्टेंट लीफी शूट, उसको हम गैमेटोफोर के नाम से जानते हैं। तो पहले भाग में क्या होता है, पोटोनीमा कैसी होती है उसको देख लेते हैं। जो फिलामेंटस पोटोनीमा होती है उसके भी दो काइंड ऑफ ब्रांचेस पाई जाती हैं। उसमें पहली ऑर्डिनरी ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, और इसमें जो सेप्टा होते हैं वो सिंपल ट्रांसवर्स होते हैं, सीधे होते हैं। जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं, दीज आर ब्राउन वॉल्ड होती हैं ये, एंड इसका जो सेप्टा होता है ट्रांसवर्स सेप्टा, दैट इज ऑब्लिक। और यही जो है सेल्स वो आगे जाके राइजॉइड्स बनाती हैं, जबकि ऊपर की जो ऑर्डिनरी ग्रीन सेल्स होती है वो आगे जाके गैमेटोफोर बनाती हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस आर राइजॉइड्स, ये यंग गैमेटोफाइट का प्लांट बॉडी है। गैमेटोफाइट स्टेम्स एंड लीव्स एंड दिस इज सीटा कैप्सूल। यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीजन है दैट इज स्पोरोफाइट। अगर मॉइस्चर अबंडेंटली प्रेजेंट है, बहुलता से प्रेजेंट है, तो जो प्रोटोनीमा है वो बहुत लंबे समय तक ग्रो करता रहता है, और बाद में आगे जाकर फ्रॉम इट्स डिस्टल एंड, उसके किनारे के सिरों पर एंड पर लेटरल पियर शेप्ड मल्टीसेलुलर सेल मॉस, जिसको बर्ड्स भी कहते हैं, बर्ड्स के जैसे संरचना बन जाती है, मल्टीसेलुलर होती है जो, और ये जो बर्ड्स होते हैं वो आगे जाकर लीफी गैमेटोफोर बनाते हैं जो एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। तो इस तरह से जो यंग गैमेटोफोर है दैट इज इंडिपेंडेंट एट मेच्योरिटी, एंड इसकी जो हाइट होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। गैमेटोफोर जो होता है दैट इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम, एक्सिस को शूट भी कहते हैं, और लीव्स। तो कुल मिलाकर इसके तीन हिस्से हो गए, राइजोम, शूट एंड लीव्स। जो एडल्ट प्लांट है वो दो भागों में दिखाई देता है हमें, पहला राइजोम और ऊपर का हिस्सा अपराइट लीफी शूट, जो सीधा खड़ा होता है दैट इज शूट, और नीचे का हिस्सा जो अंडरग्राउंड पार्ट है दैट इज राइजोम। ये हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज, जैसे आपको पहले बताया, दिस पार्ट इज स्पोरोफाइट, ये मार्किंग आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट एंड लीफी गैमेटोफाइट, एंड ये नीचे राइजॉइड्स। अब जो राइजोम है उसकी संरचना कैसी होती है? इट इज हॉरिजॉन्टल पोर्शन, पोस्टेट होता है, जमीन पे फैला हुआ होता है और यूजुअली अंडरग्राउंड होता है, और यही जो पार्ट है वो राइजॉइड्स बनाता है, इसमें ही राइजॉइड्स लगे होते हैं। एंड उसके अलावा, राइजॉइड्स के अलावा, इट बियर्स थ्री रोज ऑफ स्मॉल ब्राउन कलरलेस लीव्स, इसमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कलरलेस होती हैं, छोटी होती हैं, और तीन रेखाओं में प्रेजेंट होती हैं, तीन रो में प्रेजेंट होती हैं। जो इसके सेल्स होते हैं राइजोम्स के, दीज आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड ऑयल ग्लोबुल्स। जो दूसरा भाग है मैच्योर गैमेटोफाइट का, वो है अपराइट लीफी शूट। जो लीफी शूट है वो काफ़ी लंबा दिखाई देता है हमें, और ये राइजोम से ही निकलता है, और इसके जो ब्रांचेस होते हैं उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है, उस सेंट्रल एक्सिस पे और ब्रांचेस पे
बहुत सारी लीव्स अरेंज होती हैं जो स्पाइरली अरेंज होती हैं पत्तियां, जो इसकी स्टेम होती है दैट इज एंगुलर, वो लगभग तिकोना ट्रायंगुलर दिखाई देता है और उस तिकोने ट्रायंगुलर स्टेम के ऊपर क्लोजली सेट स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज राइजोम, इसके ऊपर पत्तियां प्रेजेंट है, यहाँ पर दिस इज लीफ, तीन रो प्रेजेंट होती हैं पत्तियों की, एंड दिस पार्ट इज अपराइट लीफी शूट, उसमें से आधा हिस्सा जो है ऊपर का ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज लीफी गैमेटोफाइट। अब पत्तियां जो कैसी होती है, लीव्स आर स्मॉल, छोटी होती है, असंख्य होती है, लैंक्यूलेट होती हैं या फिर लीनर हो सकती हैं आउटलाइन में, और जो बेस होता है इसका वो काफी चौड़ा होता है, ब्रॉड बेस होता है, मिड रिब बहुत स्ट्रांग होता है, और मिड रिब स्ट्रांग होने की वजह से इट प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द एपेक्स ऑफ द लैमिना, लैमिना से बाहर निकला हुआ होता है, उस लीव्स के बेस चौड़े होते हैं और जिस तरह से जो आगे का हिस्सा होता है वो काफी नैरो होता है, पतला होता है। इसकी जो फिलोटैक्सी है 5/13 होती है, मतलब 5 घेरे में 13 पत्तियां लगभग प्रेजेंट होती हैं। जो लीव्स होती हैं अपर रीजन की देट आर ग्रीन, जो लोअर पोर्शन के लीव्स होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि ड्राई होने लगते हैं नीचे की तरफ। लीव्स में एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दीज आर, ये है पत्ती की संरचना, ये पत्तियां अरेंज है स्टेम के ऊपर, ये एक एक लीफ सिंगल लीफ है ये, जिसमें बीच का हिस्सा जो ये है मिड रिब, ये दिस प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड एपेक्स, यहां से नीचे की तरफ इसका ब्रॉड बेस है, चौड़ा है काफी, और ये यहां से कर्व्ड होता है जो कि लैमिना को, लैमिली जो होती है फोटोसिंथेटिक लैमिनस को कवर करने का कार्य करता है। इसका अगर हम नीचे के हिस्से से यहां से टीएस काटते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, दिस इज टीएस ऑफ लीफ, यहां पर देख सकते हैं इसके जो बॉर्डर्स हैं वो किनारे मुड़े हुए होते हैं, कवर्ड कर्व्ड होते हैं, और ये मिड रिब में लैमेला प्रेजेंट होती है, दीज आर लैमेला ग्रीन फोटोसिंथेटिक। तो ये जो ग्रीन कलर के बीच में दिखाई दे रहे हैं जिसको हम लैमेला कहते हैं, लैमेला दैट इज एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यू, और ये अरेंज होती हैं क्लोजली सेट वर्टिकल प्लेट्स ऑफ ग्रीन सेल्स के फॉर्म में, बहुत पास पास लगी होती हैं, ग्रीन कलर की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये कहाँ पर जाती है, इन द मिडिल रीजन ऑफ द लीफ, और जो इनकर्व्ड जो मार्जिन है, जो पत्ती की जो मार्जिन है जो टर्न हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, उससे ही ढकी हुई होती है। अब देखते हैं एनाटॉमी कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले एरियल स्टेम का भाग, जिसको शूट का जो मेन स्टेम होता है उसका भाग, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम काटते हैं तो जो शूट है वो हमें इरेगुलर या लूप दिखाई देता है आउटलाइन में, उसकी क्या वजह है कि जो लीफ पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं उसके परसिस्टेंट लीफ बेसिस प्रेजेंट होते हैं, उसके खांचे प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये जो लो आउटलाइन है इसकी इरेगुलर दिखाई देती है। स्टेम में 3 डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, पहला अफर्म एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, दूसरा थिक कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, एंड तीसरा सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट होता है। जो एपिडर्मिस है ये सबसे ऊपर का भाग है, सुपरफिशियल होता है, यूनिसेरेट होता है, यूनिसेरेट मतलब सिंगल लेयर्ड होता है, एंड इट बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, जगह जगह से ब्रोकन होता है, क्योंकि जो परसिस्टेंट लीफ बेसिस होती हैं जहां से ये गिर जाती हैं पत्तियां, उनके खांचे प्रेजेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस बीच बीच में ब्रोकन दिखाई देती है। जब मेच्योर शूट होता है उसमें एपिडर्मिस इज नॉट डिस्टिंक्ट एंड डार्क कलर थिक सेल वॉल सेल्स पर से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, जो आउटर रीजन के कॉर्टेक्स हैं उसमें जो सेल्स होते हैं दीज आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज इलांगेटेड पोसेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, पोसेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो इलांगेटेड होते हैं, और जो इनर कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं वो पेरेनकाइमेटस होते हैं, पेरेनकाइमेटस कहने का मतलब है थिन वॉल्ड सिंपल सेल्स होते हैं। जो यंग शूट होते हैं उसमें जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, जबकि वहाँ की जो बहुत ही पुराने मेच्योर सेल्स होते हैं शूट होते हैं उसमें ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती वहां पर। लार्ज नंबर ऑफ लीफ ट्रेसेस होने की वजह से ऑल्सो प्रेजेंट विच हैव अ सेंट्रल कोर, इसको हम हाइड्रॉइड्स के नाम से जानते हैं, और ये जो हाइड्रॉइड्स के सेल्स होते हैं दीज आर इन्वेलप्ड बाय द शीथ ऑफ पेरेनकाइमा, इस तरह से ये लीफ ट्रेस प्रेजेंट है जगह जगह पर, जहां जहां पे पहले पत्तियां हुआ करती थी, उसकी जो वेस्कुलर सप्लाई होती है कंडक्शन के लिए वो जो मेन सिलेंडर है सेंट्रल सिलेंडर है जहां से कंडक्शन होता है मेन स्टेम को, वहां की रेडिएटिंग आर्म्स की वजह से आर्म जो है वो
लीफ को सप्लाई देती हैं न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एपिडर्मल सेल जो जगह जगह से ब्रोकन है, कंटिन्यूअस रिंग में नहीं है। सेकेंड पार्ट इज कॉर्टेक्स, ये थिक है, मोटा है। इसके जो डिविजन्स हैं वो मैं आगे अभी स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज ये जो लीफ ट्रेस यहाँ पर है, दिस इज लीफ ट्रेस। जो इनके जो लीफ ट्रेसेस के जो सेल्स हैं जिनको हेडवर्ट्स कहे जाते हैं, ये दे ज्वाइन द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द शूट। ये जो सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट है मतलब कि मेन स्टेम का या मेन एक्सिस का जो वेस्कुलर सिलेंडर है, दिस इज इसको हम हाइड्रोम सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं, यहां से ये जुड़ी हुई होती है। अब देखते हैं सेंट्रल सिलेंडर में क्या होता है। सेंट्रल सिलेंडर में जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ब्रोकन होते हैं एंड इट इज कंपोज ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एक रूडिमेंटरी पेरिसाइकिल को। आपने पहले ही पढ़ा था जो डाइकॉट्स में एंडोडर्मिस होता है फिर पेरिसाइकिल होता है, तो सेंट्रल सिलेंडर के जो बाहर के सेल होते हैं सबसे आउटर में सेल होते हैं वो पेरिसाइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं और पेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। जो सेल्स होते हैं इस रीजन के दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है 3 to 4 लेयर्ड इरेगुलर जोन प्रेजेंट होती है जिसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और इस जोन को लेप्टोम मेंटल भी कहते हैं। और लेप्टोम मेंटल क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू द फ्लोएम ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। जैसे हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लोएम होता है, उसका जो कार्य होता है वही कार्य यहाँ पर लेप्टोम मेंटल का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज एपिडर्मिस, पहले बता दिया आपको, कॉर्टेक्स में बता दिया आपको कॉर्टेक्स, एंड दिस इज लेप्टोम मेंटल। और जो कॉर्टेक्स का बाहर का लेयर है, बाहर का लेयर जो है दिस रिप्रेजेंट्स पेरिसाइकल। उसके अंदर का जो लेयर है दैट इज लेप्टोम मेंटल, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोएम को। उसके बाद आएगा वो पार्ट जो जाइलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो लेप्टोम मेंटल के सेल्स है उसके अंदर की तरफ है 1 to 2 लेयर की सुबेराइज सेल्स होती हैं जो बनाती हैं हाइड्रोम शीथ। यहाँ देख सकते चित्र में दिस इज हाइड्रोम शीथ जिसको एमाइलोम लेयर भी कहा जाता है। तो एक तरह से ये सेंट्रल कोर की कवरिंग है, शीथ मीन्स कवरिंग। जो हाइड्रोम शीथ के सेल्स होते हैं ये रिच इन स्टार्च, स्टार्च रिच होते हैं इसलिए इसको एमाइलोम लेयर भी कहा जाता है। अब हाइड्रोम शीथ तो हो गई, इट इज कवरिंग लेयर हो गई, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टू हाइड्रोम शीथ इज हाइड्रोम मेंटल। शीथ के अंदर मेंटल प्रेजेंट होता है एंड इसमें जो सेल्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड एम्प्टी सेल्स, खाली सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वेसल्स की तरह कार्य करते हैं, और सेंटर में एक हाइड्रोम सिलेंडर प्रेजेंट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वेरी थिक वॉल्ड होते हैं एंड यही जो वो सेल्स हैं जो कि कंडक्शन का कार्य करते हैं, पानी के कंडक्शन का कार्य करते हैं, और इसीलिए जो हाइड्रोम सिलेंडर के जो सेल्स होते हैं दीज आर इक्विवेलेंट टू द जाइलम ऑफ द हायर प्लांट्स। तो सबसे ऊपर आया था हाइड्रोम मेंटल, लेप्टोम मेंटल दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लोएम, उसके बाद आया था हाइड्रोम शीथ जिसको माइलम लेयर भी कहते हैं, उसके नीचे आया था हाइड्रोम मेंटल, और सेंटर में आया था हाइड्रोम सिलेंडर। तो यहाँ से जो हाइड्रोम जिसमें नाम आ रहा है दीज सेल्स आर इक्विवेलेंट टू द जाइलम, और लेप्टोम जो है वो सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोएम को। अब देखते हैं राइजोम की संरचना कैसी होती है। राइजोम जो होता है जिस रफली ट्राइंगुलर इन आउटलाइन, जिसके कोने जो होते हैं कॉर्नर्स वो राउंडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी द बेसल पार्ट ऑफ द राइजोम इज मोर ऑर लेस सिलिंड्रिकल। अगर हम इसका टीएस काट के देखते हैं तो हमें जो रीजन दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है एपिडर्मिस, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड थिक वॉल्ड सेल्स से बने होते हैं। बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं दे गिव राइज टू राइजॉइड्स, यहीं से राइजॉइड्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज लेयर, दिस इज राइजोम का एपिडर्मल लेयर, इसको पाइलीफेरस लेयर भी कहते हैं, और यहाँ से ये खांचा आप देख सकते हैं दिस इज द साइट, वो जगह है जहां से राइजॉइड्स निकले हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से इस एपिडर्मल लेयर में कई जगह से राइजॉइड्स निकले हुए दिखाई देते हैं, इनका रिमेंस यानी कि शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 से 4 लेयर का होता है और इसके सेल जो होते हैं पेरेन्काइमेटस होते हैं जो थिन वॉल्ड होते हैं। कॉर्टेक्स में 3 हाइपोडर्मल स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से कॉर्टेक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाता, जगह जगह से ब्रोकन होता है 3 जगह से। और जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं हाइपोडर्मल स्ट्रैंड्स, जो 3 हाइपोडर्मल स्ट्रैंड्स हैं ये रेडिएट करते हैं फ्रॉम पेरीफेरी टूवर्ड्स द सेंटर,
बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ये फैले हुए होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, अपोजिट टू द रिजेस ऑफ द ट्रायंगल, जो जो ट्रायंगल के उभार हैं वहां से निकलते हैं और अंदर की तरफ दिखाई देते हैं, दिस इज हाइपोडमोनस स्टैंड। तो ऐसे ऐसे तीन हाइपोडमोनस स्टैंड आपको दिखाई दे रहेंगे, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, तीनों जो उभार हैं ट्रायंगल के उनके ठीक नीचे नीचे प्रेजेंट है ये, दिस इज। इसके जो सेल्स होते हैं हाइपोडर्मल स्टैंड्स के, दीज आर कंपोज ऑफ पोसेनकाइमेटस सेल्स। पोसेनकाइमा की सेल होती है, थिक वॉल्ड होती है और इसमें स्टार्च ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। जो हाइपोडर्मल स्टैंड्स हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जैसे हम जाते हैं तो वो धीरे धीरे संकीर्ण होती जाती है, कम होती जाती है, चौड़ाई इनकी कम होती जाती है। और जो हाइपोडर्मल तीन स्टैंड्स हैं उनके जो बीच के सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और जिनका डायमीटर बड़ा होता है, और कुल मिला के ये जो बीच के सेल्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच के सेल्स हैं, ये बीच के सेल्स हैं और ये तीनों स्टैंड्स मिला के इस जो पूरा एक सर्कल जो बनाते हैं उसको बोलते हैं रेडियल स्टैंड्स। कॉर्टेक्स के बाद देयर इज अ लेयर ऑफ रेडिएटिंग इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और जिसकी वॉल जो होती है वो सुपराइज होती है, थिक वॉल होती है, और देयर रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल वॉल। जो सेल्स होते हैं उसके रेडियल और हॉरिजॉन्टल दोनों वॉल पे सुपराइज की कोटिंग होती है, सुपराइज होते हैं सेल्स। और इस रेडियल स्टैंड की वजह से द स्ट्रैंड जो होता है, जो कंटिन्यूस एक स्ट्रैंड होता है, दैट इज ब्रोकन इंटू थ्री आर्च शेप्ड स्ट्रिप्स। थ्री आर्च शेप्ड स्ट्रिप्स में ये बटा हुआ होता है, ये सभी कॉर्टेक्स में होता है। थर्ड रीजन इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो होती है वो दो से तीन लेयर की पैरेन्काइमेटस होती है। किसी किसी स्पीशीज में एंडोडर्मिस एंड द सेंट्रल कंडक्टिंग स्टैंड जो है वो दोनों मिक्सड रहती है, यहाँ पर पहचाना पहचाना नहीं जा सकता पेरिसाइकल को अलग से। चौथा जो लेयर है दीज आर लेप्टॉइड्स, जिसको हम कलेक्टिवली लेप्टोम के नाम से भी जानते हैं। दीज आर इक्विवेलेंट टू फ्लोएम। इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, प्रेजेंट इन द फरोज अपोजिट टू द रेडियल स्टैंड। जो रेडियल स्टैंड्स हैं उसके अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, जो गड्ढे हैं आउटर जो लाइन के वहां प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेप्टॉइड्स, ये लेबल है, ये स्टैंड यहाँ तक रेडिएटिंग है, यहाँ तक स्टैंड रेडिएटिंग है, उसके ठीक नीचे नीचे की तरफ जो सेल्स हैं ये दीज आर सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड लेप्टॉइड्स। और इनका कार्य क्या है, दैट लाइक सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की सीव ट्यूब की तरह कार्य करते हैं। एंड दीज आर लिविंग सेल्स विथ ऑब्लिक एंड वॉल। इनकी एंड वॉल जो होती है वो ऑब्लिक होती है। उसके बाद एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम एमाइलम के नाम से जानते हैं। एमाइलम क्या होता है, जो लेप्टॉइड्स होते हैं उसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल सिलेंडर। जो सेंट्रल सिलेंडर है और जो लेप्टॉइड्स के सेल लेयर प्रेजेंट है उसके बीच में एक रिंग की तरह प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एमाइलम, और ये एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर। लास्ट पोर्शन इज सेंटर सिलिंड्रिकल, ये सबसे बीच में प्रेजेंट होता है सेंटर सिलेंडर। ये ट्राइलोब्ड होता है क्योंकि राइजोम की जो संरचना है आउटर लाइन है आउटलाइन है वो ट्राइलोब्ड ही होती है। इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं स्टेरॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड सेल्स, इलोंगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं, और ये दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल सिलेंडर, मुख्य भाग बनाते हैं सेंट्रल सिलेंडर का। दूसरा जो है हाइड्रॉइड्स, दीज आर एम्प्टी डेड सेल्स। एम्प्टी इसलिए हो जाते हैं, इसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और सिर्फ ये ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये बीच बीच में बिखरे हुए होते हैं। जो स्टेरॉइड के सेल्स हैं उनके बीच बीच में दो से तीन के ग्रुप में बिखरे हुए होते हैं, और ये कार्य करते हैं वाटर के कंडक्शन का। एंड स्टेरॉइड्स एंड हाइड्रॉइड्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द हाइड्रोम, और ये इक्विवेलेंट टू जाइलम। ये था फ्लोएम का पार्ट जिसको लेप्टॉइड्स कहते हैं, एंड दीज आर हाइड्रॉइड्स। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ कैसी होती है, अगर हम टीएस ऑफ द लीफ काट के देखें तो इसमें एक थिक मिड्रिप दिखाई देता है, और ये जो मिड्रिप है वो धीरे धीरे किनारे की तरफ पतला होता जाता है और एक विंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज विंग। जो वेंट्रल सरफेस है, लोअर सरफेस है, दिस इज बाउंडेड बाई डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस। नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। जो आउटर वॉल है एपिडर्मल सेल के, दीज आर रिलेटिवली थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल, क्योंकि वेट कंडीशन पाए जाते हैं। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, उसके बाद
स्क्लेरल गैमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की जो ग्राउंड टिश्यू होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, वो यहाँ पर दिखाई गई है, दिस इज पेरेन्काइमा। थिक वॉल्ड सेल्स आर ऑल्सो फाउंड, बीच बीच में बिखरी हुई होती है जिसके सेल्स बहुत ही थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है, और ये एक या कुछ सेल्स के ग्रुप में प्रेजेंट होती है, बीच बीच में बिखरी हुई दिखाई देती है। जो डॉर्सल सर्फेस होता है, डॉर्सल सर्फेस ऑफ द लिम इज मेड अप ऑफ वर्टिकल प्लेट्स ऑफ सेल, इसमें वर्टिकल प्लेट्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, डॉर्सल सर्फेस प्रेजेंट होती हैं, इसको लैमेली कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ग्रीन कलर लैमेली। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं लोअर और एपिडर्मिस के बीच में उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। जो लैमेला होते हैं उसमें 4 से 8 तक के सेल प्रेजेंट हो सकते हैं और सभी में क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ होता है, जबकि टर्मिनल सेल जो होता है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसकी वजह से वो हाईलाइन होता है, कलरलेस होता है, और आकार में बाकी सेल से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। समटाइम जो एपिकल सेल होता है टर्मिनल सेल दैट इज बाइफिड, दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि पॉलीट्राइकम कमेनी एंड किसी किसी में पैपिलोज भी होता है, जैसे कि पॉलीट्राइकम जूनिपेरिनम। जो विंग्स होते हैं साइड के दीज आर यूजली कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ हाईलाइन सेल्स, जो विंग्स होते हैं वो सिंगल लेयर कलरलेस सेल से बने हुए होते हैं। लैमेला जो होते हैं विंग रीजन में प्रेजेंट नहीं होती, और जो विंग होते हैं वो कर्व्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं जब ड्राई कंडीशन होती है, तो इन लैमेला को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं और एक तरह से एक शेड बनाते हैं उनके लिए। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम बायोफाइटा के 16वें भाग में पॉलीट्राइकम के रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।